Hi students, I'm going to deliver one uh, theoretical lecture on electric charge. So basically, what happened uh, when we talk about the electric charge? The electric charge is a fundamental property. Fundamental. Property correct. You know, when a substance is in excess of electrons or deficient in electrons, then we say that it is a charged body. Excess of electrons, negatively charged body, deficient in electrons, positively charged body. How? Excess of electrons. so this will lead to negatively charged body deficient in electrons electrons we can write with this also e negative s so we will say it is Positively charged body. So, generally, we people only talk about electric charge, but when we talk about in discussion what is an electric charge, definitely it's a matter of debate. कुछ कते चार्ज है बस चार्ज आ रहा है चार्ज आ रहा है क्या है चार्ज ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी के ऊपर होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज और डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज जैसे सोडियम है सोडियम डेफिशिएंट इन वन इलेक्ट्रॉन एन ए प्लस Positively charged, chlorine excess electron minus negatively charged. Hope it is clear. I am showing you a picture. This dense central part is called nucleus. न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स तो एटम का जो डेंस सेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन्स भी हैं न्यूट्रॉन्स भी हैं ये बहुत डेंस होता है अगर आप देखेंगे तो इट इज लाइक ए आई मीन कोर ऑफ ए फ्रूट लाइक जहां सीड होता है फ्रूट का तो इट इज अ डेंस पार्ट एंड स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं तो ये दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स सो न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है Nucleus is always carrying a positive charge and electron is carrying always negative charge. The negative electric charge on the electron, positive electric charge on the nucleus. Subsequently, the study of electricity along with the understanding of atomic structure. ज रिवील्ड दैट लाइक मास चार्ज इज ऑल्सो ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्यों ऐसे समझा रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारी रूटीन क्लासरूम कोचिंग होती है उसमें जनरली हम लोग सीधा अटैक करते हैं करंट हैं जी कोलम्सला हैं जी बट ये जो चीजें हैं इट इज सपोज टू बी क्लियर विद द स्टूडेंट तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक स्पेशल लेक्चर ऑन इट एंड ये जो स्पेशल लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स ये इसका पर्पस ही क्या है इसका पर्पस है उन बच्चों को जो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं सब्जेक्ट की अब देर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस ये तो क्लियर हो ही गया एक नेगेटिव uh, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है मोर प्रोटोन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम इफ मोर प्रोटोन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम देन इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे ये एटम पॉजिटिवली चार्ज है जैसे सोडियम एन ए प्लस इफ मोर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट देन हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज है जैसे सी एल माइनस इफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये अनचार्ज है दिस लेक्चर इज मेंट फॉर टेंथ क्लास बट इट इज आल्सो ए बेसिक फाउंडेशन फॉर ट्वेल्थ क्लास आल्सो सो जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी करते हैं उनको साथ साथ में मैं फाउंडेशंस को स्पेशल लेक्चर्स में देता जा रहा हूँ होप इट इज क्लियर अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको क्लियर हो गया होगा सो so, स्टूडेंट्स uh, uh, जब हम किसी ग्लास रोड को यानी ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क और कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर ऑयली नहीं होना चाहिए They acquire property to attract bodies. That is called electricity, and bodies are said to be charged bodies. to save time i had written uh, by pausing the electricity produced by friction is called static electricity or frictional electricity abhi abhi maine pen ko rub karke a small piece of paper ko दिखाया था वो पेन से कैसे अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये प्लस टू फिजिक्स में एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो वेन यू गो इन टू द प्लस टू यू हैव दिस नॉलेज तो आपका ग्रिप और तकड़ा बनेगा इस चैप्टर के ऊपर होप इट इज क्लियर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच विच डील्स विद दिस Of static electricity is called electrostatics. G students, ab hum thoda aage let me rub it. Now, uh, students, uh, let us understand this concept through these, you know, figures. Uh, you know, students, uh, when we rub uh, one body with another body, like I have rubbed, suppose, uh, that pen with my, you know, fabric of my shirt, one acquires uh, what do you say? Positive charge and one acquire what do you say? Negative charge. You know, for example, if I rub glass rod with silk, then glass rod will lose electrons. Through silk fabric and glass rod will acquire positive charge. Silk fabric will acquire negative charge. अब आपके मन में आएगा ऐसा होता क्यों है? जब हम rubbing करते हैं ना, when we rub, तो heat energy is generated. हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है जब हम रबिंग करते हैं तो हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है जब हीट एनर्जी जनरेट होती है ना स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रॉन्स यू नो एक्वायर एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन क्या है वो एनर्जी एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करता है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर बॉडी कैसे जैसे मेरे पास सपोज दिस इज सिल्क दिस इज बॉडी ए आई कैन से दिस इज ग्लास बॉडी ए बी इज सिल्क सपोज टू वेन आई एम रबिंग बिफोर रबिंग ए हैज गॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेवन ई के ऊपर जो निगेटिव साइन है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स बी इलेवन तो एटम ए इज न्यूट्रल जितना प्लस उतना ही माइनस अब हमने इनको रब किया रबिंग करने से क्या होगा जो वन बॉडी एंड अदर बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ रबिंग हीटअप हो जाएगी अब मेरे हाथ भी देखो गर्म हो गया है एन आई एम रबिंग हिट तो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी ड्यूरिंग रबिंग इंटरेस्टिंग अब क्या होगा सपोज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया बॉडी ए से बॉडी बी में बॉडी ए ग्लास है बॉडी बी सिल्क है सपोज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले 11 थे 11 थे अब कितने रह गए 10, यानी कि 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले 11 थे है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले हमारे पास 11 थे ठीक है ना तो अब ये ट्रांसफर कर गए राइट। right. तो जब ये रबिंग हुई ट्रांसफर हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई मीन इसमें कितने आ गए 16 से 17। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहे इसमें 16। तो नेट चार्ज क्या आया माइनस वन यूनिट और सिंस ए ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बी को तो नेट चार्ज क्या आया प्लस वन यूनिट तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रियल पिक्चर बन के आई के रबिंग करने से होता क्या है रबिंग करने से हीट डेवलप होती है फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है नेट और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उस पे नेट नेगेटिव यूनिट चार्ज क्रिएट हो जाता है and this is called charging of a substance this is called frictional electricity and static electricity ye bada patience se samajhne wala chapter hai topic hai ab ये टेंथ लेवल के स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है जब आप इसको समझ के क्लास में जाओगे तो आपको और गहराई से सब्जेक्ट समझ आएगा है ना तो माय डियर स्टूडेंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार फिजिक्स तो बहुत इजी है अब मैं आपको एक्सप्लेन करने नॉट एक्सप्लेन बताने जा रहा हूं यूनिट ऑफ चार्ज क्या होते हैं ठीक है लेट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट एंड आप पॉज करके ना ऐसे पॉज करके ये बना के नोट्स बना सकते हो यू कैन मेक नोट्स नाउ स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ई एस आई मीन सिस्टम ए इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इट इज E electron symbol whose value is 1.6 10 to minus 19 coulomb and charge on proton is 1.6 10 to minus 19 coulomb. So, C is equal to minus E and C is equal to plus E. Mass of proton is 1.6 10 to minus 27 kilogram and mass of electron is 9.1 10 to minus 31 kilogram. तो स्टूडेंट्स पॉज़ इट एंड नोट इट अब आपने इसको नोट कर लिया मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ एक लाइन बोलता हूँ कि नोट्स जरूर बनाइए अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना स्टूडेंट्स तो लिखोगे जब आप तो आपका ब्रेन के ऊपर मेमोरी में हेल्प होता है राइटिंग से तो बहुत खूबसूरत नोट्स बनाइए अपने नोटबुक पे वो एग्ज़ाम से पहले बड़े हेल्पफुल होते हैं तो कैसा लगा आपको टेंथ क्लास स्टूडेंट्स ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है सो बहुत सारे बच्चे इससे स्किप हुए होते हैं बिकॉज जनरली uh, ये क्लास में हम लोग इतना डिटेल नहीं बताते एंड ये चैनल आपका है आप इसको उन बच्चों को शेयर करें जो बहुत दूर हैं गांव में हैं रिमोट एरिया में हैं एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनको सब्सक्राइब करने को भी बोल सकते हैं एंड स्टूडेंट्स एक मैं कोचिंग देता हूं ऑनलाइन जिसमें मेरी फीस रहती है टेन रुपीज़ पर लेक्चर हम कोई एडवांस पैसा नहीं चार्ज करते तो उसके लिए अगर आप अबाउट में जाओगे तो मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे लिंक भी मिल जाएगा आप वी एस स्कूल ऑफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना टाइम स्लॉट गूगल मीट पे क्लास लगती है वो ले सकते हो थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू मल्टीपल चॉइस के लिए हमारा टॉप रैंकर है टी ओ पी आर ए एन के आर डॉट कॉम मैं लिख ही देता हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट टॉप रैंकर डॉट कॉम तो ये है वेबसाइट है इस पर लिंक भी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होते हैं आप देखिए थैंक यू वेरी मच